सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने कमरे लेकर आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 और रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स का। दोस्तों इन दोनों फ़ोन में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों फ़ोन में दोस्तों कौन सा फ़ोन बेटर है आपके लिए और आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। ये दोनों ही फ़ोन दोस्तों आपको सेम प्राइस पर देखने को मिल जाते हैं, सिर्फ 500 रुपये डिफरेंस है इन दोनों फ़ोन में। सैमसंग गैलेक्सी वन दोस्तों आपको 15,500 रुपये देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, और रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स आपको अमेजन के ऊपर 16,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें सिर्फ 500 रुपये डिफरेंस है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इन दोनों फ़ोनों का कंपेयरिंग करने वाला हूं और दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग सके। दोस्तों वीडियो शुरू करने पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इन दोनों फ़ोन की कंपेरिजन बताता हूँ। दोस्तों जी मेरे पास दोनों फ़ोन, जी दोस्तों मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी F41 और जी दोस्तों मेरे पास रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं हम इस फ़ोन की डिस्प्ले की, दोस्तों जी मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी F41, इसकी डिस्प्ले की बात करें दोस्तों इसमें हमें मिलती है 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो दोस्तों एक फुलएचडी डिस्प्ले है। दोस्तों आप सभी को पता है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले में दोस्तों हमें काफ़ी अच्छी कलर नज़र आते हैं, आप चाहे धूप में निकलो, चाहे दोस्तों आप गेमिंग करो या फिर आप मूवी देखो, आप सुपर एमोलेड डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी डिवाइस है तो। और दोस्तों जो है हमारे पास रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो एक IP डिस्प्ले है। दोस्तों डिस्प्ले इसकी भी काफ़ी अच्छी है, बट दोस्तों सुपर एमोलेड के आगे थोड़ी फीकी पड़ जाती है। आपको दोस्तों धूप में यार ट्रैवल करना होता है तो आपके लिए एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों ज़्यादा वर्क करेगी। दोस्तों अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको दोस्तों ज़्यादा ट्रैवल करना होता है तब आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। दोस्तों डिस्प्ले से दोनों की काफ़ी अच्छी है, बट सुपर एमोलेड डिस्प्ले दोस्तों जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों फ़ोन की डिस्प्ले के साइज़ की। दोस्तों जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है सैमसंग गैलेक्सी F41 की, इसका साइज़ है दोस्तों 6.4 इंच, जो दोस्तों एक कॉम्पैक्ट साइज़ है, आपके हाथ में अच्छे से ग्रिप हो जाएगा ये फ़ोन। और दोस्तों ये रेडमी का जो फ़ोन है इसकी दोस्तों डिस्प्ले, इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा है, ये दोस्तों 6.67 इंच का डिस्प्ले। दोस्तों ये भी दोस्तों थोड़ा ग्रिप हो जाएगा, बट दोस्तों जो थोड़ा हैवी लगता है देखने में भी, और थोड़ा दोस्तों वेट भी है इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की बैटरी की। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F41 में मिलती है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो दोस्तों आपको नॉर्मल यूज में 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगी। और दोस्तों इस फ़ोन की बात करें रेडमी की, तो इसमें मिलती है हमें 5020 mAh की एक बड़ी बैटरी, जो दोस्तों आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगी अगर आपका यूज नॉर्मल है तो। बट दोस्तों इन दोनों फ़ोन की कंपेरिजन में बात करें तो हमें इसमें दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो इसमें दोस्तों बैटरी अभी कम भी होगी, प्लस आपको 1000% की बैटरी दोस्तों आप रेडमी से थोड़ी ज़्यादा मिलती है, यानी कि इसमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है। दोस्तों बैटरी के मामले में भी ये फ़ोन सैमसंग का इससे रेडमी से आगे निकल जाता है। दोस्तों अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी बैटरी काफ़ी बड़ी हो और दोस्तों ज़्यादा टाइम तक चले, तब आपको दोस्तों F41 तरफ जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के कैमरा की। दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन में हमें जो रियर कैमरा मिलता है, जिसमें दोस्तों हमें मेन कैमरा मिलता है, वो है दोस्तों 64 मेगापिक्सल का कैमरा। दोस्तों सैमसंग में भी हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और रियल और जो रेडमी में भी दोस्तों हमें 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। बट दोस्तों कैमरा क्वालिटी की बात करें तो रेडमी का जो कैमरा दोस्तों वो सैमसंग से थोड़ा बेटर है। आपने देखा वो दोस्तों सैमसंग के कैमरे काफ़ी अच्छे होते हैं, बट दोस्तों रेडमी का जो कैमरा है इस बार वो दोस्तों सैमसंग के कैमरे को फेल कर देता है, यानी कि इसका जो कैमरा दोस्तों रेडमी का वो सैमसंग के कैमरा से थोड़ा बेटर है। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा कैमरा ऐसा फोन चाहिए जिससे दोस्तों कैमरा अच्छे हों, इसके जो रियर कैमरा अच्छे हों और फ्रंट कैमरा भी दोस्तों अच्छा हो, दोस्तों आपको सैमसंग से बढ़िया कैमरा रेडमी में मिलेगा। इन दोनों ही फ़ोन का दोस्तों सेम कैमरा है, रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा दोस्तों 32 मेगापिक्सल का है, यानी 32 मेगापिक्सल कैमरा दोस्तों दोनों फ़ोन में। बट दोस्तों कैमरा क्वालिटी आपको रेडमी के फ़ोन में दोस्तों ज़्यादा बेटर मिलेगी, इस रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में आपको सैमसंग से ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलेगी फोटो के मामले में।
चाहे दोस्तों आप वीडियो बनाओ या फोटोशूट करो, आपको दोस्तों दोनों ही कंडीशन में रेडमी का फ़ोन ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा इन दोनों फ़ोन के कंपेरिजन में। और दोस्तों हमारा जो सेल्फी कैमरा है सैमसंग वाला, इसमें हमें दोस्तों वही मिलती है नॉच डिस्प्ले, जो दोस्तों काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है इस टाइम। बट दोस्तों हमारा रेडमी का फ़ोन है, इसमें दोस्तों हमें मिलती है एक पंच होल डिस्प्ले, जो कि दोस्तों एक काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों सैमसंग की F41 में मिलती है फ्रंट में दोस्तों इसकी डिस्प्ले मिलती है हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। और दोस्तों वहीं देखा जाए रेडमी के फ़ोन में दोस्तों इसमें हमें मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। दोस्तों जो प्रोटेक्शन दोस्तों इसमें थोड़ी हैवी मिलती है। और दोस्तों इसकी जो बॉडी है सैमसंग की, इसमें हमें मिलती है प्लास्टिक बॉडी, जिसको दोस्तों आपको स्क्रैच ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे अगर आप इसे बिना कवर के यूज़ करते हो तो। और दोस्तों इसमें हमें मिलती है एक ग्लास बॉडी, जो कि दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। और दोस्तों इसके बैग में भी दोस्तों हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगे, तब आपको दोस्तों रेडमी का फ़ोन ज़्यादा बेटर लगेगा। क्योंकि दोस्तों जिस सैमसंग का जो फ़ोन है इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी, जिस पर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये देखने में प्रीमियम भी नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों जो इसकी जो थिकनेस है वो दोस्तों थोड़ी मोटी सी है। और दोस्तों देखने में भी इसकी डिज़ाइन जो है वो सिंपल सोवर सी है, जो कि दोस्तों काफ़ी टाइम पहले चली आ रही है सैमसंग के और फ़ोनों में। बट दोस्तों रेडमी का जो फ़ोन है इसकी जो डिज़ाइन है वो देखने में दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लगती है। और दोस्तों इसकी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सैमसंग में हमें पीछे मिलता है, जो पीछे दोस्तों काफ़ी फ़ोनों में चला आ रहा है काफ़ी टाइम से। बट दोस्तों रेडमी में हमें इसका जो पावर बटन है इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों एक काफ़ी नया लेटेस्ट डिज़ाइन निकाला है। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में रेडमी का फ़ोन सैमसंग से थोड़ा निकल जाता है। अगर आप इसे कवर में भी यूज़ करते हो फिर भी दोस्तों आपको कवर से बार बार निकालने या लगाने पर भी इस पर इसके जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सैमसंग का फ़ोन पसंद है, आपको सैमसंग के डिवाइस अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों अगर आप इसे यूज करना चाहते हो F41 को, तो आपके तो दोस्तों आपको इस फ़ोन के ऊपर लेमिनेशन करानी पड़ेगी, उसके बाद आपको कवर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बिना लेमिनेशन के इसके ऊपर कवर यूज़ करते हो फिर दोस्तों आपको इसके ऊपर स्क्रैच देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप रेडमी फ़ोन लोगे तो दोस्तों इसके ऊपर गोरिल्ला 5 प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, प्लस दोस्तों इसमें ग्लास बॉडी दी गई है, तो इस पर आपको स्क्रैच इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों डिस्प्ले जो साइज है और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी है वो दोस्तों आपको रेडमी में ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों चलते हैं कार्ड स्लॉट की तरफ। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, आप दो सिम और मेमोरी कार्ड दोनों ही फ़ोन में आसानी से लगा सकते हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों कॉल क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन दोस्तों काफ़ी अच्छी कॉल क्वालिटी देखने को मिलती है। मैंने दोनों फ़ोनों को काफ़ी दिन तक यूज़ किया है, मुझे किसी भी फ़ोन में कॉल क्वालिटी लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दोस्तों रेडमी फ़ोन में मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिली है, वो दोस्तों ये है कि जब भी दोस्तों हम बाइक पर ट्रैवल करते हैं तो इसका जो वाइब्रेशन है दोस्तों रेडमी का वो दोस्तों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने दोस्तों सारी सेटिंग चेक कर ली, मुझे कहीं भी वाइब्रेशन को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिखा इस फ़ोन में, जैसे दोस्तों हर फोन में होता है। जैसे सैमसंग में दोस्तों हम अपने वाइब्रेशन चेंज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा मीडियम कर सकते हैं, बट दोस्तों रेडमी का फ़ोन है जो 9 Pro Max, इसमें दोस्तों मुझे कहीं भी सेटिंग के अंदर कोई भी ऐसा फीचर देखने को नहीं मिला जिससे दोस्तों मैं इसका वाइब्रेशन को चेंज कर सकूं या फिर इसको इंक्रीज कर सकूं। तो दोस्तों सैमसंग का जो फ़ोन है आपको अगर ट्रैवल ज़्यादा करते हो आप तो आपकी पॉकेट में आसानी पता लग जाएगा किसी का कॉल आ रहा होगा तो वाइब्रेशन से। बट दोस्तों अगर आप रेडमी का नोट 9 Pro Max यूज़ करते हो तो दोस्तों आपको ये दिक्कत आने वाली है। पता नहीं दोस्तों सारी प्रॉब्लम मेरे ही फ़ोन में है या फिर दोस्तों सभी फ़ोनों में आ रही है। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोनों में प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों सैमसंग में मिलता है Exynos का 9611 का प्रोसेसर, जो कि दोस्तों काफ़ी पुराना प्रोसेसर है जो आपको सैमसंग के काफ़ी डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिनको दोस्तों ज़्यादा गेमिंग करने का शौक नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मल गेम खेलते हो, जैसे दोस्तों सर्विस सर्वर होता है, क्रिकेट होता है, और दोस्तों छोटे मोटे जो गेम होते हैं, अगर आप इस टाइप के गेम खेलते हो तब आपको इस फोन में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों सैमसंग का जो 9611 का प्रोसेसर है वो आपको नॉर्मल यूजर में काफ़ी अच्छा वर्क करके देगा। अगर आप सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह यूज़ करते हो तो आपको दोस्तों इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हैवी यूजर हो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हो, जैसे पबजी गेम होता है, उस टाइप से ज़्यादा हैवी गेमिंग खेलते हो, तब आपको दोस्तों इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपको गेमिंग करने से कोई मतलब नहीं है, तब आपको दोस्तों इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों रेडमी के फ़ोन की बात करें तो इसमें मिलता है दोस्तों हमें स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर, जो दोस्तों एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है,
इसमें चाहे आप दोस्तों कितनी भी हैवी गेम करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों सैमसंग का प्रोसेसर जो है काफ़ी पुराना है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको ये फ़ोन काफ़ी दिक्कत देगा, सिर्फ आपको गेमिंग करते टाइम दिक्कत आएगी अगर आप ज़्यादा हैवी गेम करते हो तब, नहीं तो दोस्तों आपको दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, चाहे दोस्तों आप कितनी भी हैवी मल्टीटास्किंग करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोनों फ़ोन में। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है अगर आप अपने फ़ोन में ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते हो तब। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी हो और जिसका दोस्तों साइज काफ़ी अच्छा हो, कॉम्पैक्ट साइज हो, तब आपको दोस्तों सैमसंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसमें आप दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे कलर नए देखने को मिलते हैं, चाहे आप गेमिंग करो, चाहे आप मूवी देखो, आप कुछ भी करो, आपको इसमें काफ़ी अच्छे कलर देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी हो, जिसमें दोस्तों प्रोसेसर काफ़ी अच्छा हो, तब दोस्तों आपको रेडमी के फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी डिस्प्ले है वो सैमसंग के फ़ोन से थोड़ी बड़ी है, और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है रेडमी का, इसका प्रोसेसर भी दोस्तों काफ़ी लेटेस्ट है। और दोस्तों बैटरी की बात करें तो सैमसंग की बैटरी और रेडमी की बैटरी में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोस्तों आपको दोनों ही फ़ोन में 2 दिन का बैटरी पर आसानी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है। अगर आपको डिस्प्ले पसंद है, आपको दोस्तों एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो आपके हाथ में अच्छे से ग्रिप हो जाए, एक कॉम्पैक्ट साइज हो, तब दोस्तों आपको सैमसंग की तरफ जाना चाहिए। बट दोस्तों अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिले, बड़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिले, और दोस्तों रेडमी ब्रांडिंग हो, ग्लास बॉडी हो, तो दोस्तों आपको रेडमी फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया है। और दोस्तों इन दोनों फ़ोन पर ऊपर चलते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली का टाइम आने वाला है, दिवाली टाइम चल रहा है, दोस्तों दोनों ही एप्लीकेशन पर, अमेजन पर और फ्लिपकार्ट पर ऊपर चलते रहते हैं, तो दोस्तों इन दोनों फ़ोन आपको डिस्काउंट में काफ़ी अच्छी रेट में देखने को मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों इनका जो नॉर्मल प्राइस है ऐसे 15,500 रुपये है और इसकी 16,000 रुपये है, तो सिर्फ 500 रुपये डिफरेंस है। बट दोस्तों इनके ऊपर ऑफर चलते रहते हैं, तो आप एक अच्छी ऑफर के साथ इन दोनों फ़ोन में से कोई सा फ़ोन परचेज कर सकते हो। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छा आइडिया मिल चुका होगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।